सीबीएसई प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट रिपीटर्स पत्राचार कैंडिडेट्स 2021। मेरे प्यारे दोस्तों, मैथ्स पेपर को लेके एक बहुत ही शॉकिंग अपडेट। आप लोग डरेंगे बिल्कुल नहीं कि मैं आप लोगों को जो है शॉकिंग अपडेट मतलब डरा दूंगा, बच्चे फेल हो रहे हैं ये वो वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। पर उससे पहले आप सबको थोड़ी बहुत राहत भी खबर है इस वीडियो में आप लोगों के लिए, क्योंकि जिन बच्चों ने अपना मैथ्स पेपर अटेम्प्ट करके आया है बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, और जिनका मैथ्स पेपर होने वाला है वो भी डरे हुए हैं। आप लोग बिल्कुल सही हो। एक चीज़ बता दूं, माफ करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एक यूट्यूब चैनल का यूट्यूब वीडियो का लिंक है जिसमें सारा पेपर सॉल्व किया गया है क्लास 10 का प्राइवेट एग्जाम। तो आप लोग जरा करेक्शन कर लो कि आप लोग पासिंग मार्क्स तक उठा पा रहे हो, कुछ हद तक आपके सही है, स्टेप्स वगैरह सही है कि नहीं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, हमारे यूट्यूब के सहयोगी हैं, उन्होंने सर हैं वो सॉल्व कर दिया है। तो बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों सही और गलत और क्या हो रहा है कॉपी चेकिंग को लेकर। तो एक बात बताना चाहूँगा, मान के चलो सारे स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट में पास हो गए, ठीक है ना, और बच्चे मैथ्स में फेल हो गए, तो क्या फ़ायदा होगा? हमारा करियर तो फिर से लॉस होगा ही ना। अब एक सब्जेक्ट के लिए फिर से कंपार्टमेंट में इंतजार करोगे एक साल बैठकर। तो सीबीएसई का क्या प्लानिंग चल रहा है, क्या करना चाहते हैं ये लोग? क्या बच्चों को कुछ सब्जेक्ट में खुश करके इजी क्वेश्चन पेपर करके बच्चे खुश हो जाएंगे, चलो मैं पास हो रहा और लास्ट में जब मैथ्स में फेल हो जाएंगे फिर रोएंगे? तो क्या सीबीएसई को क्या बेनिफिट मिलेगा, है ना? मेरी बात अगर सही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो मैं आप सबको सारा अपडेट देना चाहता हूँ, आप लोग पैनिक बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है ना। कुछ अच्छी खबरें भी हैं आप लोगों के लिए, भले ही मैथ्स का पेपर थोड़ा टफ आया, हार्ड आया, पास आया, कुछ अच्छी खबरें भी हैं आप लोगों के लिए। मैं बताता हूँ आप लोग किस तरीके से आपको मार्किंग मिल रहा है, पूरा कन्फर्म न्यूज इस छोटे से सेकंड्स के वीडियो के बाद। क्या आपको इंग्लिश बोलने में लगता है डर? तो इस डर को आप कंप्लीटली दूर कर सकते हैं डाउट नट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से, जहां पर इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा के मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी बेसिक से। साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट रखते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या फाटेदार आपको इंग्लिश बोलनी है, तो आज ही डाउटनट ऐप डाउनलोड करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा करें। थैंक यू सो मच। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कैसे मार्किंग किया जा रहा है? सबसे पहले मैं आप लोगों का खुद पेपर आज देखा हूं और बहुत ज़्यादा शौक हूं। हमारे पास में एक अशोक सर बोलकर, वो इन्विजिलेशन भी करते हैं, सीबीएसई के टीचर भी हैं और वो साइंस के टीचर हैं, साथ ही साथ उनके जो भाई हैं मैथ्स के टीचर हैं, तो उनके पास आप सभी के पेपर्स रखे हुए हैं। उन्होंने मुझे जब दिखाया, मैं भी बहुत ज़्यादा शौक हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे आउट ऑफ सिलेबस था क्वेश्चन, आउट ऑफ एनसीईआरटी था मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जब मैंने पेपर देखा तो मैं भी शौक रह गया कि क्वेश्चन पेपर भी बहुत ज़्यादा टफ है, प्लस स्टूडेंट्स ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। जब वो चेकिंग कर रहे थे मार्किंग बहुत अच्छा किया, मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। सबसे पहले उन्होंने बताया कि बच्चों ने जो अटेम्प्ट किया है, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया कि हम लोग बार बार चिल्ला रहे थे, और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं स्टूडेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ अटेम्प्ट करना, तो सर कॉपी चेकिंग में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स दे रहे थे। कुछ बच्चों ने ऐसा भी किया था कि क्वेश्चन को जस्ट लिख दिया था क्वेश्चन को, और उसी क्वेश्चन को निकाल कर मतलब आंसर में लिख कर कुछ थोड़ा ऊपर नीचे करके लिख दिया, तो सर वहाँ पे हाफ मार्क्स दे रहे थे। तो सर का भी कहना है, सर से मैंने बात किया तो सर भी कह रहे नहीं, उन लोगों को भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं सीबीएसई की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी को ईजी चेकिंग किया जाए और मार्किंग अच्छा रखा जाए और मैक्सिमम बच्चे पास हो। और मैंने मतलब 4-5 पेपर्स देखे, वहाँ पे कोई भी फेल नहीं हुआ, ठीक है, सबके 27 के ऊपर ही मार्क्स थे, 30, 33, 31, 32 ऐसे करके सबके मार्क्स आए हैं, सब पास हो रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा आप लोग पैनिक बिल्कुल नहीं होंगे, उतना तक सबके मार्क्स आ जा रहे हैं, 35 तक, 36 तक, ऐसा नहीं कि पूरा आपको डाउन रख दिया गया है, स्टेप मार्किंग भी दिया जा रहा है, बहुत अच्छे से स्टेप मार्किंग सर दे रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करूँगा, और माफ़ी चाहता हूँ, और जो आने वाला एग्ज़ाम है 12 तारीख को में भी मैथ्स के लिए, तो आप लोग पूरा प्रिपेयर रहें, डरेंगे बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बहुत ही अच्छा होगा। जो हो गया सो हो गया, मैं आप लोगों से एग्री करता हूँ, पेपर हार्ड था, अब इसके रिगार्डिंग अगर कुछ किया जा सकता है तो जरूर किया जाएगा, बट टीचर्स आप लोगों को मार्किंग अच्छा दे रहे हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, थैंक यू सो मच।